ये है दोस्तों हैंड ब्रेक ठीक है इस हैंड ब्रेक को यहाँ से दबाओगे नीचे छोड़ दोगे तो ये ब्रेक आपकी रिमूव हो गई खुल गए हैंड ब्रेक ठीक है और मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब भी आप गाड़ी कहीं भी आप पार्क करते हो कहीं भी आपकी ढलान हो चाहे ऊंचाई हो चाहे नीचे हो तो ये ब्रेक का इस्तेमाल ज़रूर करना क्योंकि गाड़ी होती है चार चक्के की और ये गाड़ी को कोई भी धक्का मार के धीरे से लेके जा सकता है ठीक है हैंड ब्रेक एक ऐसी चीज़ है ना तो गाड़ी आपकी आगे जाएगी ना पीछे जाएगी ठीक है तो इस हैंड ब्रेक को लगाने का तरीका दोस्तों ये है इसको आप ऐसे एक बार दबा लोगे ठीक है चाहे नहीं भी दबाओगे ये जो चार उंगलियाँ इनको इसके नीचे लेके ले जाना और धीरे 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 ऊपर लगा दिया ये आपकी हैंड ब्रेक लग गई और हैंड ब्रेक अब गाड़ी आपकी कितना भी गियर में लगी हो चौथे गियर में पहले गियर में कहीं भी लगी हो तो आपकी गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी ठीक है दोस्तों और इसको हैंड ब्रेक को हटाने के लिए दोस्तों एक बार हल्का सा ऊपर उठाना है ऊपर बहुत आदमी को हैंड ब्रेक लगाना ही नहीं आता और हैंड ब्रेक को कैसे लगाना है कैसे रिमूव करना है तो उसको क्या करना है थोड़ा हल्का सा दोस्तों इसको ऊपर उठाना है उसके बाद बटन को प्रेस करना है किया प्रेस उसके बाद छोड़ देना है नीचे ये आपकी हैंड ब्रेक जो है रिमूव होगी दोस्तों ठीक है और दूसरी बात मेन टॉपिक है मैं आपको और बताता हूँ और ये गाड़ी के नीचे जो है ये ये वाला जो लगा है ये वाला एंगल सा इसको आप दबाओगे ऐसे ऊपर को उठाओगे और आपकी सीट आगे पीछे जा जाती है ऐसे ये देखो इसको उठाओगे पीछे चली जाएगी इसको उठाओगे तो आगे चली जाएगी सीट ठीक है उसी प्रकार इसके नीचे भी लगा है ये देखो ये आगे आ गई ठीक है दोस्तों और इसके बाद इसको दबाओ उठाओगे तो पीछे चली गई ठीक है दोस्तों और उसके बाद ये तो आपको पता ही होगा यहाँ साइड में लगे हैं दो एक है तेल की टंकी ये खोलने वाला ये इसको तेल की टंकी आपको खोलनी है तो यहाँ से उठा दोगे तेल की टंकी खोल जाएगी ये खो, इसको उठा दोगे ऊपर को दोगे डिग्गी जो पीछे डिग्गी होती है वो खुल जाएगी आपकी है ना पीछे का और, और है ये ये गेयर बॉक्स है ठीक दोस्तों ये गेयर बॉक्स है आपके ठीक ये एक नंबर है गेयर ये दो नंबर है ये तीन नंबर है ये चौथा और गेयर डालते समय दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना गेयर जब भी डालने ना ऐसे ऐसे नहीं डालने ठीक गेयर को डालते समय ऐसे, ऐसे 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 पीछे मारते हैं वैसे नहीं करना गेयर को हल्का सा जैसे एक नंबर है तो ये एक नंबर को इधर लेके जाना है पहले ऐसे गेयर डालने के लिए पहले ये ले गए और उसके बाद एक नंबर लग गया ठीक है दोस्तों फिर उसके बाद रिमूव करना है तो ये बीच में आ गया तो खत्म हो गया गेयर फिर दूसरा गेयर डालना है साइड में ले गए ये दूसरा गेयर लग गया फिर बीच में कर दिया ये दोस्तों ये तीसरा लग गया क्योंकि तीसरा सीधा है ना तीसरा ओसे हो गया फिर चौथा है बीच में लाए चौथा ये लग गया ठीक है दोस्तों ये चौथा लग गया अब पांचवा लगाना है तो देखो क्या है पाँचवा भी क्या बना है ऐसे है फिर ऐसे है है ना तो इसका इंडिकेट क्या है कि ऐसे ले जाना है ये ये कौन सा लग गया पाँचवा है ना तो अब अब नीचे का रिवर्स लगाना है पीछे बैक गाड़ी करने का तो दोस्तों इसको भी ऐसे ले जाना है थोड़ा सा ठीक है उसके बाद पीछे को कर देना है तो ये आपका लग गया पीछे का बैक बैक गियर ठीक है दोस्तों तो ये रिमूव हो गया गियर अनबॉक्स हो गए और ये है स्टेयरिंग स्टेयरिंग को कभी भी दोस्तों दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे 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 नहीं चलाना ठीक है स्टेयरिंग गाड़ी जो होती है बहुत आजकल गाड़ियों में क्या दिया हुआ है कि पावर स्टेयरिंग है पावर विंडो है पावर ब्रेक क्लच वगैरह सब पावर रहता है आजकल ठीक है तो आप इसको लेफ्ट राइट हैंड से आप इसको चलाएं गाड़ी को ऐसे से राइट right हैंड से जो है घुमाना है ठीक है और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हमेशा गियर पे रहेगा यहाँ पहला चेंज करते रहोगे गेयर एयर डालते रहोगे ठीक है और दूसरी बात एक और बताता हूँ दोस्तों ये जो ये मिरर है ना अपना साइड का मिरर देखो अभी मेरा यहाँ बैठा हूँ सीधा बना रहा हूँ है ना तो ये मिरर में से एक चीज़ देखने वाली नोट करने वाली बात है कि मिरर से जो आपका गाड़ी का पीछे का आधा हिस्सा है ना वो ज़रूर दिखाई देना चाहिए ठीक है और ये ये गाड़ी का ये ये देखिए पीछे का बैक साइड दिखाई दे रहा है इस चीज़ से गाड़ी कभी भी चलती है तो मिरर से चलती है दोस्तों एक ये वाला मिरर एक ये वाला मिरर एक वो वाला मिरर ठीक है इनसे गाड़ी चलती है कभी भी आदमी इसी से बैक आगे पीछे जाना ये वो सब काम इसी से होता है तो अब इनकी सेटिंग जरूर करके रखें मेरा दोस्तों ठीक है और दूसरी बात है कि नई नई गाड़ी चला रहे हो अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हो और आपको कभी कभी कोई बोलता है ना कि यार स्टेयरिंग सीधा करो स्टेयरिंग सीधा करो चक्के सीधे करो तो यार उसका सिंपल सा तरीका है मैं बताता हूँ ये जो एस बनी हुई है ना जब गाड़ी का कोई भी सिंबल हो यहाँ बना होगा किसी भी तरह का निशान होगा आपके तो उसके यहाँ देखना कि हॉर्न का भी बना होगा नीचे और अगर आप इसको सीधा रखोगे ना तो समझोग आपके अभी गाड़ी के चक्के सीधे हैं एकदम अगर ऐसे होंगे उल्टा तो समझो कि किधर को घूमे हैं ऐसे, ऐसे 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 और गाड़ी का आपका स्टेयरिंग ऐसे कभी कभी कोई बोलता है ना गाड़ी चक्के सीधे करो यार सीधी करो गाड़ी सीधी करो तो ये है गाड़ी का सीधा ठीक और दोस्तों कभी भी जो गाड़ी ना आपने नई नई चला रहे तो ज़्यादा क्लच कभी नहीं छोड़ना ठीक है क्लच को हमेशा धीरे धीरे छोड़ना है ये जो क्लच है दोस्तों ये ये क्लच है ये ब्रेक है ये रेस है तो कभी भी आपको क्लच छोड़ना है दोस्तों तो एकदम धीरे धीरे से ये दबा दिया नीचे ऐसे गेयर डाला ठीक है दोस्तों उसके बाद ये रेस का इधर पैंडल लगा हुआ है ये वाला तो आपको इसको हल्का सा प्रेस करना है इसको हल्का, हल्का 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 जीरो लेवल की स्पीड में क्लच भी छोड़ना है और जीरो लेवल की स्पीड में आपको रेस को भी छोड़ छोड़ना दबाना है ठीक है तो आपकी गाड़ी धीरे 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 चलने लगेगी और जब आपको दोस्तों गाड़ी का सेकेंड गियर चेंज करना है तो आपको क्या करना है पहले ये देख लो इधर ये क्लच को ऐसे दबा देना है क्लच को दबाया दूसरा गेयर आपने डाल दिया फिर धीरे 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 क्लच को छोड़ना है और गाड़ी को एक और मैं बात बता दूँ कि गाड़ी झटके से कभी नहीं क्लच को छोड़ना नहीं तो गाड़ी आपकी बंद होगी और हो ये इंजन भी इसमें ख़राब होता है ठीक है और आपको गाड़ी को चलाने को सबसे इजी यही तरीका है कि फर्स्ट गियर डालो पहले क्लच दबाओ उसके बाद आपको गियर डालना है पहला आगे को उसके बाद क्लच को और रेस को हल्का हल्का दोनों को एक समान छोड़ना है धीरे 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 और आपकी गाड़ी आगे आगे चलने लग जाएगी जब सेकेंड गियर चेंज करना है तो गाड़ी अपने आप साइन देगी गाड़ी की आवाज़ थोड़ी सी ना होने लगेगी जैसे कि अब गियर मांग रही है तो फिर उस समय क्या करना है कि फिर आपको क्लच को दबा देना है नीचे क्लच को जैसे ही दबाओगे तो फिर आप सेकंड गियर सेकंड गियर डाल देना यहाँ से ऐसे करके पीछे को ठीक है फिर धीरे धीरे छोड़ देना और आपकी गाड़ी आगे जाती जाएगी और एक चीज़ का ख्याल रखना ठीक है कि ये ये पाँव जो हमेशा इधर ही काम करे इधर ना आए नहीं मेरे सॉरी ये वाला पाँव है ना ये क्लच वाला क्लच वाला पाँव का हमेशा यही रखना है कभी इधर नहीं लेके जाना ठीक है इस पाँव को यही क्लच पे रखना कभी ब्रेक पे नहीं रखना इस पाँव का जो काम है ना दोनों साइड में करना ब्रेक रेस ब्रेक रेस रेस ब्रेक रेस ब्रेक ठीक है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखोगे और आप गाड़ी आदि तो ऐसे ही चलानी सीख जाओगे ठीक है यार तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें कि अगली आने वाली नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए आपके मोबाइल पे और बेल आइकन जरूर दबाएं धन्यवाद दोस्तों